नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं विशाल चैनल और विशाल चैनल का विशेष कार्यक्रम सुना धाधु। निश्चित रूप से अपना पंचे या कार्यक्रम का बड़ा स्नेह दई रहे हैं और अपना पंचन के मन में यह जिज्ञासा होत हो कि ये सुना धाधु आए का, तो जैसन अपना विषय विषयन का देखी थे ओके अनुसार अपना यह मान ली कि सुना दादू कार्यक्रम में हम देश में का हो रहा, प्रदेश में का हो रहा, जिला में का हो रहा, हमारे आसपास का हो रहा, इन सब घटनाक्रमन का हम यहाँ समीक्षा करी थे। आज हम एक गंभीर विषय ले के सुना दादू कार्यक्रम में आए हैं और वह विषय है कि आज़ादी के बाद से जौने मेर से सब जगह बदलाव है, वही मेर से राजनीतों में बदलाव भी, और राजनीति में बदलाव है तो का बदलाव है, आज हम वही विषयन में चर्चा करब। और हमारे साथ आज सुना दादू कार्यक्रम में अपना के चिरपरिचित पत्रकार केशव तिवारी जी मौजूद हैं, उन्हीं के साथ आज हम ये चर्चा का आगे बढ़ाओ। तो राम राम। सुना दादू कार्यक्रम में जैसन बताइन आज ददोली भाई कि आज हम आज़ादी के बाद से देश में बदलाव तो बहुत भी, हर क्षेत्र में बदलाव भी, राजनीति में बदलाव है, शिक्षा में बदलाव है, फैशन में बदलाव है, पहराव में बदलाव है, ऐसा कोनो क्षेत्र नहीं बचा जहां बदलाव नहीं भा। लेकिन हर मंचन में अलग अलग तरीके से अपने अपने बदलावन की चर्चा होती, लेकिन आज हम ददोली भाई से यह जानना चाहते कि आज़ादी के बाद से राजनीति में कौन मेर बदलाव भा, वो बदलाव के परिणाम का भे, लोग का महसूस करत हैं, नेता कितने जिम्मेदार हैं, कितने गैर जिम्मेदार हो गए, चुनाव लड़े के टेक्निक बदल गए, वोटर अपन वोट बेचे लाग, ये तमाम मुद्दा है। तो ददोली भाई का लागत है अपना का कि आज़ादी के समय जौन मेर नेता रहे, आज़ादी के बाद कुछ समय तक जौन मेर नेता रहे, तब से लेके आज तक के बदलाव में का अंतर अपना का समझ में आवत है? हाँ तिवारी जी, बहुत बहुत अच्छा चर्चा का विषय है आज के, और हमें लागत है कि यह विषय का बड़े गंभीरता से लोगन का सुना समझा चाहिए। तिवारी जी देखी, देश आज़ाद भा, जब आज़ाद भा तो वह टाइम आज़ादी के लड़ाई के रे कब अपन अलग ग्लैमर रहा। आज़ादी के बाद आज़ादी के लड़ाई तो लड़त रहे सगले नेता, तो उनके मन में यह नहीं रहा कि हम आज़ाद हो जाए तो फिर देश का कौन मेर चलाओ। आज़ाद भा फिर सगले नेतन के मन में आवत भाई हम यह रास्ते से देश का आगे बढ़ाओ, कौन सोच रहा कि हम यह रास्ते से देश का आगे बढ़ाओ और यह मेर से देश का सजाओ समारोह। और यह भाव का लेके विभिन्न राजनैतिक दलन का वो टाइम गठन किएगा। नेहरू जी होगा कांग्रेस है रही, तो नेहरू जी अपन कांग्रेस के जौन आज़ादी के लड़ाई की चमक रही वही छोड़ा नहीं चाहते रहे, तो अपन पार्टी कांग्रेस है बनाए रहेंगे और अपन एक नेहरूवादी समाजवाद विकसित करें, कहीं ना हम यह रास्ता से बनाओ। डॉक्टर लोहिया रहे और लोग रहे तो निरंतर यह बात में हल्ला करत रहिए कि नहीं, नेहरू वाले समाजवाद से देश का कल्याण नहीं आए, देश का बनामे खे तो यह रास्ते से चला चाहिए। कुल मिला के विभिन्न राजनैतिक दलन का गठन एहन से भा कि हम यह मेर से देश का सजावा समारा चाहिए, बनावा चाहिए। विभिन्न विभिन्न विचारधारा तो रही, पर वो विचारधारा सब इतने खीतिर रही कि हम देश का कौन मेयर बनाऊ, और सगले नेतन के केंद्रीय भाव में केंद्र में यह भाव रहा कि हम ही देश का विकास करेगा, कि हम ही देश का विकास करेगा है। और यही से वह काल का हम पंचे कह सकी थे कि यह विचारधारण का काल रहा, विचारधारा प्रमुखता से रही। वह टाइम समाज में परिवर्तन और व्यवस्था में परिवर्तन का साधन सत्ता मानी जात रही, और सत्ता साधन नहीं रही, सत्ता साध नहीं रही है, सिर्फ सत्ता जौन है तो परिवर्तन के एक साधन मात्र रही। लेकिन होगा चलत रहा, बहुत दौर यह चला, वह टाइम का रहा कि राजनैतिक दलन के जौन कार्यकर्ता रहे उनकर योग्यता यमा मानी जात रही कि कौन कार्यकर्ता देखी
जनता के सवालन का लेके जन आंदोलन खड़ा करके कई बेर जेल जा रहा है, जय बेर जेल जाए तय बेर अखर विशेष योग्यता बनत रही और इन जन आंदोलन से राजनैतिक कार्यकर्ता निकलत रहे। जनता के सवाल के लेके जो लड़ाई वो टाइम खड़ी हुए, हाँ आम जनता के जो मुद्दा रहा है, आम जनता के जो मुद्दा रहा है उन्हीं का उन्हीं के लड़ाई से नहीं राजनैतिक कार्यकर्ता निकला कर रहे। लेकिन समय बदला तिवारी जी, अब हम जो देख रहे हैं वर्तमान समय में, बीच का काल छोड़ दी अगर, तो हम ये देख रहे हैं कि सगले का सगला मायना बदल गया। अब कोहू के दिमाग में ये नहीं आए कि हम ये देश का कैसन बनामक है, कैसन सजामक है, कैसन समारक है। सबके दिमाग में है कि सत्ता कौन मेर मिले, सत्ता कौन मेर मिले, हमार विकास कौन, और हमार महिमा मंडन हुई कि हमारे प्रभाव का विस्तार कैसन हो। या हर राजनेता हर राजनैतिक कार्यकर्ता के दिमाग में अब यह होगा है कि देश ना हमी देश से मतलब आए, ना हमी समाज से मतलब आए, ना हमी कुछ से मतलब आए, हमी मतलब है कि हम कौन मेर समाज में स्थापित हुई और हम समाज में ही कौन मेर से हमारे प्रभामंडल का विस्तार हो। पहले का रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता और राजनैतिक कार्यकर्ता में कौनो अंतर नहीं माना जाता। समाज में जे काम करे, समाज जनता खीतिर जे काम करे, वह आगे राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता रहा, वह राजनीति में आवत रहा। अब देखी का है सामाजिक कार्यकर्ता अलग, राजनैतिक कार्यकर्ता अलग। हमारे एक साथी रहे हैं, अब नहीं रहेंगे, अरुण त्यागी जी, वो कभू कभू हमसे कहा करें कि भैया अगर हम ही राजनीति से कुछ मतलब नहीं आए, तब हम कहा करें कि देखिए राज सामाजिक कार्यकर्ता राजनैतिक कार्यकर्ता बने थे, कहीं ना रहे वो सब समय बदल गया है। तो देखिए तिवारी जी, अब वो समय सही बदल गया है। सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो अपन सामाजिक क्षेत्र में काम करते, जैसे कहें कि नेतन के सोच बदल गए, हाँ प्रचार के तरीका बदल गए, प्रचार के तरीका बदल गए बहुत सारी, लेकिन आज़ादी के बाद जो मुद्दा रहे, भूख, हाँ बेरोजगारी, हाँ गरीबी, हाँ आज़ादी के 7 दशक बीत के, लेकिन ये मुद्दन में कोनो परिवर्तन नहीं आवा, कौनो परिवर्तन, नेहरू से लेके मोदी तक, हाँ मुद्दा वह है देखिए भूख गरीबी बेरोजगारी और यह समस्या का समाधान, हाँ 70 साल के जो एक सामान्य कहावत रही कि पूर देश जौन है या पूरे देश का नागरिक जौन है वो रोटी कपड़ा और मकान के लाने जूझ रहा है, हाँ वह समस्या आजो वहीं तर बनी है जैसन पहले बनी रही। तिवारी जी देखिए ऐसा है कि वर्तमान में जौन राजनीति हो गई है पूरी की पूरी सत्ता में केंद्रित रही, थोड़ी को कुछ कर दिया से तो अखर प्रोपोगंडा भर खूब करत है। जैसे मोदी जी मान ली वो टाइम या कोरोना काल में ही यह भागी भाई को भूखन न मरे तो अनाज द्याप शुरू करें, अब अनाज तो द्याप शुरू करें वो टाइम उनके मन में का भाव रहा हम नहीं जानी, लेकिन वर्तमान में वह फ्री में अनाज दें का प्रयोग वोटन के राजनीति में हो ला तब्दील होगा कि माने हमें वोट लेंगे तो हम फ्री सब कुछ फ्री करी, पानी फ्री करी, बिजली फ्री करी, भोजनों फ्री करी, वस्त्रों फ्री करी, रहाऊं को फ्री करी, खाऊं को फ्री करी, माने अब राजनेतन के हर काम वोटन में केंद्रित हो गए। नहीं तो यह जोन हिसाब से ये फ्री चल रहा है, हाँ तो यह हिसाब से ऐसा नहीं कि माने एक पूरे हिंदुस्तान का फोकटहा बनाने के एक राजनीति चल रही है कि जैसे नहीं आदमी पहले कह देता है कि अरे फोकटहा आए इससे ज़्यादा बात ना करा, एक अलावा कुछ न हो आदमी का अकर्मण्य बना दिया हुआ है। जब हमें सब कुछ फ्री में मिली तो हम काहे कुछ करब, और जब काहेगा कुछ ना करब तो समाज के काम कैसे चलिए। तो आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो ये राजनीति में परिवर्तन से अब देखी राजनीतिक कार्यकर्तन का वर्तमान में अब को के मन में यह भाव नहीं आया कि हमें देश ओस बनामे है, हम ये अपन कैसन के विकास करें कि तो नेतन के चरण बंदन, और जौन स्थापित नेता हैं पहले से तो बस उन्हीं के परिक्रमा कर करके उन्हीं कैसन के खुश कर दे तो हम कुछ बना दे, और फिर कहूँ कुछ बना दे। लेकिन ऐसे देश का कौनो कल्याण देखी तिवारी जी होने वाला नहीं है। देश का कल्याण तभी होने वाला है जब राजनैतिक कार्यकर्ता यह मन में भाव लेके आई
कि हम ये देश का सजावे समारे का है या देश के अंदर से हम ये बताइए ये भाव कहाँ से है। ये देखिए एक चीज समझिए, अभी अभी अपना जिला पंचायत के चुनाव देखिए। हाँ, जिला पंचायत के चुनाव जब हो थे तो जिला पंचायत का अध्यक्ष बने के लाने जिला पंचायत का अध्यक्ष करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं जिला पंचायत के सदस्यों का खरीदने के लाने। यहीं तर नगर पंचायतों में सदस्य बिके, यहीं तर माने अध्यक्ष जब नगर निगम की होती तो हूँ लोग बिकते। तो जब लाखन करोड़न रुपया खरीदे बेचे में, मान लिया जिला पंचायत का अध्यक्ष जौन है वो अध्यक्ष बने के लाने जब करोड़ों रुपया खर्च करी तो वो देश बनावे के लाने खर्च करी। हाँ नहीं, एक तिवारी जी एक विकृति यहाँ आई है। हम कहें ना कि अब राजनैतिक कार्यकर्ता जन आंदोलन से नहीं निकलता है, अब निकलत हमें कि केखे लगे कितना पैसा है। हम बहुत जीवन में अपने संघर्ष करें राजनीति में, तमाम जनता के सवालन के लेके, फुटपाथियन के सवालन के लेके, ये आंदोलन वो आंदोलन, तमाम दुनिया भर के जहाँ देखा है तहाँ करें, लेकिन कौनों हमी तो लागत है कर, अब कौनों महत्व तो नहीं आए। अगर पैसा हम नहीं कमाने, चाहे वो पैसा कमा ले तो अगर चाहे वो बेईमानी से कमाई चाहे ईमानदारी से कमाई, अगर हमारे लगे पैसा है तो राजनीति में अब इतना पैसा लागत है कि जौन कौनों क्षेत्र में उतना नहीं लागत है। अब देखिए नगर निगम के चुनाव भी बराबर बराबर बिल्कुल रहे हैं, भाजपा के नहीं उत्तीन पार्षद रहे, कांग्रेसों के उत्तीन पार्षद रहे। पर अब यह आवा कि पैसा कौन पार्टी ज़्यादा खर्च करी तो बतावत कि दस दस पंद्रह पंद्रह लाख एक एक पार्षदन के दिन का। अब बताइए पार्षदों, हम कुछ पार्षदन से बात की हैं। हाँ, तो उनसे पूछन कि कितना खर्च भा, तो लोग सात सात आठ आठ दस दस लाख रुपया पार्षदी के चुनाव में खर्च बताई। अब बताई, अब जब इतना पैसा लागे लाख तो काहे का कोई भला मनाई गई, काहे का कौन ऐसा दस लाख रुपया कौनो पार्षद चुनाव में खर्च करी। हाँ, तो वह फिर कमाबो करी, वह फिर कमाबो करी। अब जौन अध्यक्ष बनी तो दस दस लाख रुपया दे के, तिवारी जी जब बनी करोड़न रुपया दे के, तो वह का करी फिर। तो वह हम कह रहे हैं कि अब जब अब जैसा पहले एक बात रही ना कि नेता जनता के प्रति जवाबदेह होत रहा। हाँ हाँ, अब जनता फोन लगावा दी नेता का तो वो फोने नहीं उठावे, काहे का उठावे। अब जनता पैसा ले थी भाई, अब जनता का कर रही है कि 500 रुपया मिनिमम एक वोट के ले ला, 500 रुपया एक क्वार्टर एक बोतल। हाँ, शराब माने हम जब बाहर जब आए रहने जौने पार्टी में मान ली तो हम यह सोच के आए रहन कि यह वाली पार्टी में ही थोड़ा सा सुचिता ही पवित्रता ही पवित्रता ही, ये हमारा शराब और आपका यह उपयोग न हुई। हाँ, लेकिन अब यह हम देख रहे हैं कि ऐसा कौनो पार्टी नहीं बची, ऐसा कौनो पार्टी नहीं बची है जो उन्हें माने वोट पर है के मान ली तो दस दिन पहले से नहीं सब खड़ा 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 सीसी बोतल। एक बेर अब हम नाम नहीं ले, एक बेर हमारे एक मित्र चुनाव लड़े, वो कहीं कि अपना का हमारो देखें के सब जिता हमें का है। हम कहें यार जी हो गया जब जनता के बीच में भाई तो जिताऊ देखब। तो जब चलें लागन हमारे हमरा गाड़ी में हमरे पीछे खड़ल खड़ल कुछ हो तो हम पूछें ड्राइवर से, हम कहें यार ये खड़ल खड़ल का बात है, तो कहीं पाँच सात पेटी दारू आ धर दी नहीं। अरे हम कह लौटाओ गाड़ी भाई, लौटा के हम तुरंत उतरवाएँ उसे। हम कहें भाई हम राजनीति में यह प्रयोग नहीं करीता है खड़ा खड़ा वाला खड़ा खड़ा वाला। तो यह देखें तिवारी जी की दारू पैसा हमारे जितने अनैतिक संसाधन है सगलेन का उपयोग हुआ था भाई चुनाव में ही। अब वह चुनाव से कहाँ निकल के आई, लेकिन जब चुनाव ही अपवित्र हो, जब चुनावे अपवित्र हो गए। हाँ, चुनाव में कोनो पवित्रता बची नहीं। हाँ, और चुनावन के पवित्रता का देखे वाली संस्था जो नहीं। हाँ, वह आंख बंद करके गांधारी यस माने बैठी। हाँ, तो अपना का मानी थी कि देश के राजनीति माने देश कितना सुदृढ़ हुई, देश की व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई। मैंने जब एक चीज ये बताई कि नेतो बेचारा का करे। हाँ, जब आम जनता 500 रुपया 1000 रुपया लाई के बिन पैसा वोट नहीं दे, तो जब वो वोट नहीं दे तो फिर जन अरे अबे आए वो मैं वोट चुनाव में जब वोट पड़त रहा तो एक थे बुढ़ीवा चिल्लाता ही मुई को पैसा नहीं दी इसमें, न डरियो न डरियो न डरियो वोट। अब ले अब हम समझाई हुई कि भाई वोट तोर अधिकार आदाई डार कहीं तो मुई पैसा तो नहीं दी इसको। अब माने आम वोटर जो तो पैसा ले ला, ये सब बदलाव आ गए तिवारी जी। अब देश का होई का ना होई, या कि फिर हो ही सकते को ऐसा आदमी आवे जौन ये पूरा जौन गंदगी राजनीति में छाए गई यही फिर से सही रास्ते में ले आवे।
और ऐसा ना अभी दूर दूर तक देखात नहीं आए हाँ, कि ये गंदगी दूर हो। हाँ, ये गंदगी अभी बढ़ते चली जाए या हम पंचन का ओहिन में रहेगा पड़ी। हाँ, और वहाँ देखा वहाँ सुना वही बत कहा अब करब और का करब हो गए इतना हम पाँच करत रहा हो सकत लोग यह तो मनी है कि हाँ कुछ कर रहे हैं। हाँ कुछ कर रहे हैं, हम अपन काम कर रहे हैं। देखिए